आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल में होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनि, पास के जो ध्वनि है उससे जो नया परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। संधि शब्दों को अलग-अलग करके हम उन शब्दों को पहले वाले रूप में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः स्वर 11 होते हैं, ए आ ई उ ए ऐ और ऋषि ओ औ। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। हमारे पास में है वृद्धि संधि। एक ही वर्ग के दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को वृद्धि दीर्घ संधि कहते हैं। एक ही वर्ग के दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए और ए मिलके आ बन जाता है, जिस प्रकार विद्यालय अपने पास में है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय। यहां पर अपने पास में आ और आ मिलके आ बन गया, तो ये हो गया विद्यालय। इसी प्रकार हमारे पास में है शब्द हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का आलय। तो ए मैं में ए की ध्वनि आती है, तो ए प्लस आ दोनों मिलके बन गया आ। तो हमारा शब्द है हिम प्लस आलय, ए और आ जोड़ के बन गया हिमालय। इसी प्रकार ई और ई दीर्घ संधि में समान स्वर, एक ही जैसे वर्ग के स्वर मिलकर स्वर में दीर्घ परिवर्तन लाते हैं, वह दीर्घ संधि कहलाते हैं। जैसे ई और ई मिलके ई कहलाता है। इसमें आ जाएगा रविंदर। इस शब्द की संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र, तो इसमें ई और ई। ऊ
गया ऊ। तो हमारे पास में शब्द आ जाएगा ग्रुप देश। इस वाक्य में ग्रुप देश का हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश।